तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टेक्निकल नॉलेज चैनल में स्वागत है। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि कल यानी 22 मई में मार्केट कैसा रहेगा, आज कौन से शेयर बढ़े, जो मैंने बताए थे उन शेयरों का क्या हुआ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूँ, ये देखिए मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, सभी के लिए, और मैं हमेशा रिटर्न भी उतने अच्छे देता हूँ, कम से कम 50% सालाना तो इन्वेस्टर के तौर से इंट्राडे के तो सबसे ज़्यादा ही है। लेकिन देखिए आप वीडियो को लाइक नहीं करते, ये देखिए मुझे रिस्पांस चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में भी ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए। मैं हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में ये देखिए मेरा थंबनेल है जो मैं शेयर बताता हूँ, यानी कि मैं गारंटी देता हूँ, एक को यूट्यूबर नहीं देता, और मैं हमेशा सलाह देता हूँ ऑप्शन चेंज ना के लिए, फिर भी अगर किसी को ज़रूरत होती तो बताता हूँ। देखिए मैं हमेशा प्रॉफिट ही देखता हूँ दूसरों का, और ज़्यादा से 100% स्ट्रेटजी वीडियो के टाइटल में दिए, तो मैं वैसा ही वर्क करता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल कौन से शेयर बताए थे, सॉरी यानी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था आज के दिन का, तो उसमें कौन से शेयर मैंने बताए थे, देखिए सीजी पावर, टाटा MTR, ये सभी के बारे में आज एनालिसिस करेंगे। और देखिए हर बार मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलता, आज पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन था क्योंकि चाइना और यूएस का ट्रेड चल रहा है, ट्रेड और तो चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो ये देखिए इसकी वजह से एशियन पूरा मार्केट डाउन ही रहा है, उसका ही प्रभाव हमारे मार्केट में भी पड़ा है। जो निफ्टी लगभग 1% से गिरी है, निफ्टी बैंक 1.5% गिरी है, सेंसेक्स भी लगभग 1% ही गिरा है। तो देखते हैं कौन से शेयर, ये देखिए बड़े हुए शेयर में नहीं बताता, जैसे DHFL में सीधा जो मैंने बताए थे, ये देखिए ये नॉर्मल में इसलिए मैं बताता हूँ, ये देखिए इंट्राडे में नहीं, नॉर्मल में इसलिए क्योंकि इन्हें बनने में तो टाइम लगता है लेकिन रिटर्न आने में 1 वीक लगता है। टाटा MTR SI शेयर है, यानी कि टाटा मोटर्स भी कह सकते हैं, ए राइट शेयर है उसका। तो मैंने बाइंग प्राइस हमेशा इसकी तब भी मैंने बताया था कि 90 का सपोर्ट क्रॉस हुआ था, गिर गया। अब अगर 81 तक आता है, अगर आप इसी प्राइस में भी कर लेते हैं मार्केट प्राइस के हिसाब से, 84 या 82 में भी बाय करते, मिनिमम 82 से तो बाय कीजिए, अच्छी बात है, तो लगभग आप सेलिंग प्राइस 3 रुपये ज़्यादा 85 या 90 तक रख सकते, 1 वीक में आपको रिटर्न आ जाएंगे, यानी कि आपका पैसा वापस आ जाएगा और प्रॉफिट भी उतना आ जाएगा। तो बात करते DHFL की, तो देखिए DHFL कितना बड़ा, 106 रुपये प्राइस थी इसकी, झूठ लगता है को 16 मई का वीडियो देखें, जब 106 रुपये प्राइस थी तब मैंने बताया था कि ये शेयर लीजिए, आज भी मैं बताता हूँ लीजिए, नॉर्मल में बाय करना है, ध्यान से सुनिए, 200 तक इसकी स्ट्राइक प्राइस रखिए, सेलिंग प्राइस जाएगा, अगर ज़्यादा लालच नहीं, अगर इसी प्राइस से लेते हो तो 150 यानी कि 10 या 20 रुपये से भी आप इसे सेल करते। तो और नए कौन से शेयर हो सकते हैं, देखिए हर रोज़ अगर एक ही शेयर में बताता रहूँगा तो वीडियो देखने का कौन सा फ़ायदा है, मैं वही शेयर बताता हूँ जो मैंने 100% स्ट्रेटजी से वर्क होते हैं, जैसे वेदांता भी हो सकता है अभी से क्योंकि बहुत गिर चुका है, आगे बढ़ने के इसके चांसेस ज़्यादा ही हो गए, और टेक्निकल एनालिसिस यही कहता है, फंडामेंटल एनालिसिस तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, थोड़े न्यूज़ की वजह से ये देखिए अभी देखिए ग्रीन डॉट शुरू होता है। ये देखिए मैं कोई साइंस नहीं बता रहा हूँ, सिंपल है, इसमें आपके लिए एक वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि 8.5 घंटा है, समझने में मुश्किल आती है। और ये देखिए इतने कैंडल यूज़ किए होते हैं और इतने टेक्निक आ रहे सही, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं सिंपल ही बताता हूँ आपको, इतना सिंपल कि कोई यूट्यूबर नहीं बताता। जब रेड डॉट शुरू होते हैं तब ये शेयर गिरता है, चाहे कौन सा भी कंपनी का हो और कौन से भी यानी कि कौन से सेक्टर का हो, गिरता ही गिरता है। अब ग्रीन डॉट शुरू हो चुके, लगभग ये बढ़ता ही चला, ये देखिए ग्रीन लाइन अब ऊपर आ चुके, लगभग अगर गिरता है तो 2 रुपये 160 तक गिरेगा, लेकिन ऊपर जाने जाएगा कब तक, 190-185 का यहाँ सपोर्ट दिखा रहा है ऊपर दिखे, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि 190 और 200 तक का इसका सपोर्ट है, 185 इसका एवरेज सपोर्ट है, तब तक तो जाएगा ही जाएगा, तो नॉर्मल में आप बाय कीजिए। तो और कौन सा शेयर हो सकता है, देखिए मैंने इससे पहले जो वीडियो में बताया था येस बैंक, नॉर्मल में तो बाय कीजिए, इंट्राडे में ऐसा क्यों, ये देखिए 139 में भी आज इंट्राडे में मैंने बाय करने के लिए कहा था, 142 में तो सेलिंग हो ही गई, मार्केट क्लोज होने तक 141 आ गया था, ज़्यादा आज मूवमेंट नहीं हुई येस बैंक की, लेकिन 2 से 3 रुपये के बीच तो आसानी से उसका प्रॉफिट भी हुआ है। आज प्रॉफिट कम हुआ क्योंकि मार्केट डाउन हुआ, इंट्राडे में आज सबसे ज़्यादा अगर प्रॉफिट हुआ तो ये देखिए येस बैंक से ज़्यादा ZEEL का हुआ है,
या देख सकते हैं ZEEL बहुत गिर गए। और जब भी कोई शेयर मैंने बताया वह ज़्यादा गिरता है तो तब इंट्राडे में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। वो कैसे कि मैंने हमेशा बताया जब भी शेयर कोई प्राइस से ज़्यादा शुरू होता है, यानी कि कल इसकी प्राइस अगर 348 से शुरू होती और बढ़ने लगती है 349 या 50, तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टार्ट से नहीं, आपको 20 मिनट लेट से शुरुआत करनी पड़ती है, मेरी स्ट्रेटजी उल्टी। तब अगर ग्रीन डॉट शुरू होता है, जैसे मैंने कैंडल की भी ज़रूरत नहीं 2 से 3 रुपये प्राइस से, और इस यहाँ देख सकते हैं मार्केट डेप में अगर बायर बढ़ रहे तो आपको सीधा पोजीशन वही स्टार्ट से शुरू करनी है, बाय बिग ट्रेड से शेयर कांस होते 200-300 क्वांटिटी लेनी है। 2 से 3 रुपये के बीच में भी आप सेल कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये, ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। जैसे एक्स बैंक में किया आज, बहुत सारे का लॉस भी हुआ है, लेकिन मेरे जो क्लाइंट होते हैं यानी कि मैंने जिन्होंने बताया था उनका नहीं, क्योंकि मैंने 139 की बाइंग प्राइस बताई थी और सेलिंग प्राइस में हमेशा 142, 141, 143 लास्ट थी, 145 तक भी मैंने नहीं बताई क्योंकि वो हाई हो चुकी थी। तो बात करते हैं और कौन सा शेयर जो मैंने पहले बताया था नॉर्मल के लिए, सीजी पावर हो सकता है, ये शेयर फंडामेंटल एनालिसिस से बहुत अच्छा है, टेक्निकल एनालिसिस से नहीं है, क्योंकि ये देखिए इसकी मूवमेंट बहुत कम होती है, यानी कि 1 रुपये से ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन हुई तो 1 रुपये ही एवरेज है। और क्वांटिटी भी देख सकते हैं टर्नओवर 52 लाख से और ट्रेड वैल्यू लगभग 19 करोड़ है। तो ये शेयर में क्यों बता रहा है, ये उनके लिए जिन्हें टाइम नहीं इंट्राडे, लॉन्ग टर्म में अगर लेना चाहते तो लॉन्ग टर्म नहीं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ 38 की बाइंग प्राइस करिए या फिर 36 की, 45 इसका सपोर्ट है जो मैं बता रहा हूँ, 100% जाएगा ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 45 तक का है ये, 42 में भी आप सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन सेफ बताता हूँ। और कौन से हो सकते हैं, देखिए अशोक लीलैंड बता सकता हूँ, लेकिन वही प्रॉब्लम दिक्कत है उसकी भी कि उसकी टेक्निकल एनालिसिस में मूवमेंट कम है और रिकवर हो चुका है, अशोक लीलैंड भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी में और कौन से शेयर हो सकते हैं, तो निफ्टी में अगर इंट्राडे में आपको लेना है तो भारतीय एयरटेल बहुत अच्छे है, इंट्राडे में आपको प्रॉफिट दिलाएगा। जैसे मैं ZEEL येस बैंक बताऊँ तो वैसे ही भारतीय एयरटेल है जो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, लगभग अब इसकी प्राइस 330 के बीच आ चुकी है। अगर आप कल मार्केट ग्रीन से शुरू होता है यानी 331 से, आपको क्या करना है 9:30 के लगभग वहाँ से आपको शुरुआत करनी है, 9:15 भी नहीं, 15 मिनट लेट ही शुरू कीजिए, आपका प्रॉफिट बाकी के मुकाबले 1-2 रुपये से कम होगा, लेकिन 100% गारंटी देता हूँ पैसा आपका डूबेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है, देखिए सबसे ज़्यादा अगर आपको दिखाना है तो येस बैंक का देखता हूँ, दिखाता हूँ झूठ नहीं। ये देखिए आज येस बैंक शुरू जब हुई थी ना 9:09 इसकी प्राइस 145 दिखाया था, 9:09 सीधा नीचे गिरी 139। अगर किसी ने वहाँ से ही बाय बिग ट्रेड यानी कि वहाँ से ही बाय किया होगा तो इतना घाटा हुआ उसका लगभग 5 से 10 हज़ार, लेकिन मैंने मेरी स्ट्रेटजी से क्या, मैं हमेशा बोलता हूँ हमेशा 15 या 20 मिनट लेट शुरू कीजिए आपको प्रॉफिट होगा। 139 तक चली गई थी तो 138 भी गई थी 139 के बाद, तो 139 मेरी बाइंग प्राइस थी, 142-143 यानी वो सेलिंग प्राइस ही हमेशा रहेगी, लेकिन 144 भी थी लेकिन 142 तक मैंने सेलिंग बताई थी तो प्रॉफिट हुआ। तो इसी चलते मैं हमेशा यही बताता हूँ कि 15-20 मिनट अपनी पोजीशन लेट ही शुरू कीजिए। तो यह बात करते ऑप्शन चेन, ये देखिए ऑप्शन मार्केट का क्या है, आज तो बहुत सारों का लॉस भी हुआ, तो इसी चलते मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बताता जब भी शोर होता तब, और मैं हमेशा बताऊँ 50 पॉइंट जब भी ऊपर नीचे होता है तभी अपनी पोजिशन स्क्योर अप कीजिए। जैसे आज हुआ जो मैंने इससे पहले वीडियो में भी कहा था, यहाँ देख सकते हैं निफ्टी बैंक का बताता हूँ, ये देखिए 50 पॉइंट की मैंने बताया था, जब भी आप 50 पॉइंट के नीचे शेयर आता है यानी कि निफ्टी बैंक आती है या फिर निफ्टी 50 पॉइंट नहीं कम ही लीजिए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस ज़्यादा, निफ्टी बैंक में हमेशा 200-300 पॉइंट का ही डिफरेंस रहता है और निफ्टी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट की मूवमेंट करती है दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 50-40 पॉइंट इसकी एवरेज होती है। तो मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ, 50 पॉइंट अगर आप बाइंग करते हो और 50 पॉइंट गिरते हो तो अपनी पोजिशन हमेशा स्क्वायर अप कीजिए, लॉस होता है कम होगा 200-300 ही होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कम ही है उस मुकाबले से, जो 2,500, 3,000 या फिर 10,000 या फिर
पूरा पैसा डूब जाता है ऑप्शन मार्केट का, यही रिस्क है, इसी चलते मैं नहीं बताता ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं बताने जा रहा हूँ 30 मई की ऑप्शन मार्केट कैसा होगा, देखिए 23 मई की बता सकता हूँ लेकिन एक दिन ही बचे तो रिस्क मत लीजिए। कल भी मार्केट अगर निगेटिव से शुरुआत होती है तो लॉस होगा, तो उससे अच्छा है सेफ जाइए, 30 मई की एक्सपायरी लीजिए, 100% आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। 30,500 या 30,600 को भी आप ले सकते हैं, लेकिन 30,600 की थोड़ी ज़्यादा ही प्राइस है, 30,500 की 700, लगभग 700-800 के बीच ही प्राइस है। लेकिन कल अगर शुरू होता है मार्केट तो लगभग इसकी प्राइस 500 दिखाएगा, लगभग आप 23 मई को इसकी प्राइस 400 होगी, तो आप वहाँ से बाय कीजिए 400 पॉइंट के बीच, लगभग इसकी ओरिजिनल प्राइस 400 ही है, आप तब बाय कीजिए और 800 के बीच सेल कीजिए, या फिर 200 पॉइंट ज़्यादा 600 पर भी प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट 10,000 से भी ज़्यादा होगा, लेकिन सेफ बता रहा हूँ। अगर आपको कोई और शेयर के बारे में बताना है या फिर जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।